दोस्तों, टिटहरी पंछी अधिकतर एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। ये पंछी अधिकतर नदियों तालाबों के करीब ही दिखाई देते हैं और गांव के खेतों में भी देखने को मिलते हैं। और ये आप जानते ही होंगे कि टिटहरी पंछी दिन में अधिक सक्रिय होते हैं और रात के दौरान अधिकतर आराम करते हैं। इस पंछी का सिर, पंख, पूंछ भूरे रंग का होता है और उसका पेट सफेद रंग का होता है। इस पंछी का सिर गोल होता है और गर्दन छोटी होती है। इस पंछी के लंबाई और वजन के बारे में बात करें तो इस पंछी का वजन करीब 50 ग्राम जितना होता है और इसकी लंबाई करीब 10 इंच तक होती है। टिटहरी पंछी सर्वाहारी होते हैं। ये पंछी अपने भोजन में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और कई छोटे जीव भी खा जाते हैं और कई बार वनस्पति भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। टिटहरी पंछी अपने लंबे पैर की वजह से दौड़ने की क्षमता रखते हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये पंछी अधिकतर अकेले में रहना पसंद करते हैं और यह पंछी अधिकतर समय जमीन पर ही बिताता है। टिटहरी पंछी की खासियत यह है कि नर मादा टिटहरी पंछी को रिझाने के लिए हवा में गोते भी लगाते हैं और इस पंछी के पास कोई दूसरा पंछी आ जाए तो ये पंछी शोर मचाने लगते हैं। टिटहरी पंछी की पूंछ ऊपर और नीचे होती है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यह पंछी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। टिटहरी पंछी एक प्रवासी पंछी माना जाता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि मादा टिटहरी पंछी नर पंछी की तुलना में लंबी होती है। ये पंछी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं और टिटहरी पंछी का प्रजनन काल मई से जुलाई तक होता है। मादा पंछी अपने घोंसले में करीब 4 से 6 अंडे देने की क्षमता रखती है और अंडों को सेने का काम नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टिटहरी पंछी के अंडे पत्थर जैसे दिखने में होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंडे का शिकार कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिटहरी पंछी अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती हैं, मगर ये सब केवल मान्यता है। अगर हम इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो इस पंछी का जीवन काल करीब 12 से 15 साल का होता है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।